हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग इज हियर विद मंजिला। मैं मंजिला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ, जो उड़ीसा का बहुत ही फेमस प्लेस है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। ये सन टेम्पल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए और आपको भी जरूर दिखाएंगे कैसा है वो। अगर हम रास्ते में कहीं रुकते हैं तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे, ये गेट है टेम्पल का। अब अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये टेम्पल है, यहाँ पे अंदर ढेर सारी शॉप्स लगी होती हैं, लोकल शॉप्स है यहाँ पे, जो चीजें मिलती हैं आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, यहाँ से हम टिकट लेते हैं। नो मास्क नो एंट्री, विदाउट मास्क यहाँ कोई एंट्री नहीं है। सीसीटीवी कैमराज वगैरह भी लगे हैं सेफ्टी का। देखिए यहाँ पे साथ में, देखिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी दीप बना हुआ, बहुत ही अच्छा प्लेस है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री हो गई है पूरा प्रॉपर चेकिंग के साथ, ऐसे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। सारी वॉल्स पे ऐसा ही मिलेगा, प्लेन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं। काफी पुराने टेम्पल है, यहाँ भी काम होते रहते हैं, देखो ऊपर काम चल रहा है। और साइड में गार्डन्स भी हैं, आप देखिए आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये दूसरी साइड से टेंपल का है, बैक साइड नहीं, साइड का साइड है। देखिए और साथ में यहाँ पे बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, देखिए बरगद है, पीपल है, जो भी है, देखिए बहुत ही पुराना है, मतलब लोग कहते हैं काफी सालों से है यहाँ पे। देखिए उसकी जड़ें देखिए कितनी सारी बन गई हैं, काफी छाया है यहाँ पूरा बना हुआ, लोग बैठते हैं। देखिए स्टोन से बनाए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं यहाँ भी, देखिए तरफ। ये बाहर से टेम्पल का फुल व्यू है, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर है, मैं भी आपको टेम्पल के अंदर भी दिखाती हूँ, इस साइड भी यहाँ से बना हुआ है। ये देखिए ये मंदिर का व्यू है पास से, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है इससे ज्यादा, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वॉल्स पर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, आई होप, इतनी अच्छी सी, मतलब देखिए शिल्पकारी का काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कितना अच्छा, देखिए ये सब कहते हैं ना, सूर्य भगवान सात हाथियों, नहीं सॉरी, कहते हैं सूर्य भगवान सात जो घोड़े होते हैं, सात रथ वाले घोड़े, सात होते हैं उनके रथ में घोड़े। ये देखिए सब लोग कहते हैं ना कि सूर्य भगवान के घोड़े में सात रथ होते हैं, इसमें का एक हॉर्स यहाँ है, मैं आपको उनके रथ का चक्र दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा दिखता है। थोड़ा सा देखिए कुछ डैमेज वगैरह हो रखा है, जो काम चलता रहता है यहाँ पे।
डायरेक्ट उसके पीछे ही होती है, आपको दिख रही होगी। बहुत ही प्यारा, कितने सारे बगले हैं देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग। अगर आप हॉर्स पे बैठ के घूमना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छे से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखिए पानी के अंदर भी जा रहे हैं लोग। आप अगर उड़ीसा आए तो मैं तो बस यही कहूंगी आप कोणार्क जरूर आए घूमने के लिए, और इस बीच पर जरूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा सा प्लेस है। ये भैया ने बनाया है सैंड आर्ट, बहुत ही खूबसूरत। देखिए माता जी का फेस बनाया है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। भैया बताइए कैसे बनाया आपने इसको। देखिए दुर्गा माता जी, हाँ देखिए दुर्गा माता जी का बनाया इन्होंने बहुत अच्छे से। देखिए बहुत, मतलब यहाँ पे सैंड आर्ट बहुत बड़े में होता है, देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बना लिया है। ये हम लोगों के बस की बात बिल्कुल नहीं है, देखिए कितना अच्छा बनाया इन्होंने भैया ने, देखिए कितने अच्छे से बना रहे हैं। गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इस तरीके की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको जरूर हिट कर दें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। चलिए बाय बाय।